हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास एलेवेंथ चैप्टर फोर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फिफ्थ चैप्टर फिफ्थ क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रखा है आपने आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है देखते हैं ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी इसको हम क्या बोलते हैं आयोटा ए प्लस आयोटा बीवेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड आयोटा की वैल्यू क्या होती है रूट माइनस वन इस कार्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जो हमारे पास ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होता है जैसे टू प्लस थ्री आयोटा लिख दिया हमने तो ये हमारे पास ए हो गया ये हमारे पास बी हो गया और साथ में क्या लगा देंगे आयोटा तो इसको हम क्या बोल देंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर और आयोटा की वैल्यू क्या होती है रूट माइनस वन और ए और बी हमारे पास क्या होते हैं कोई भी रियल नंबर तो इसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ए प्लस आयोटा बी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और ए प्लस आयोटा बी है वो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है अब देखो आगे हमारे पास क्या है इफ़ जेड इज इक्वल टू जेड हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर को नोट करने के लिए इफ़ जेड इज इक्वल टू ए प्लस ए बी जेड हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है देन री आर ई जेड इसका मतलब क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड रियल पार्ट हमारे पास क्या होता है ये हमारे पास रियल पार्ट होता है और ये हमारे पास क्या होता है इमेजनरी पार्ट जो आयोटा के साथ आता है वो इमेजनरी पार्ट होगा जो बिना आयोटा के आएगा वो रियल पार्ट होगा तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है ए है एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है बी द कोफिशेंट ऑफ आयोटा जो आयोटा को है उसका कोफ़िशेंट को हम क्या बोलते हैं इमेजनरी पार्ट और जो उसके अलावा बिना को उसका है उसको हम क्या बोलते हैं रियल पार्ट अब हमारे पास आता है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है आयोटा की वैल्यू होती है रूट माइनस वन फिर इससे आगे भी हमें जरूरत पड़ेगी इसकी हम कहाँ तक वैल्यू फाइंड करेंगे देखो आयोटा का स्केयर बोथ साइड स्केयर कर देंगे इधर स्केयर हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा स्केयर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाएगा माइनस वन फिर उसके बाद आता है आयोटा क्यूब आयोटा स्केयर कितना आया माइनस वन और ये हमारे पास अब इस आयोटा क्यूब को मैंने ब्रेक कर दिया आयोटा स्केयर इनटू आयोटा आयटा स्केयर की वैल्यू क्या है माइनस वन और ये क्या है आयोटा तो क्या आ जाएगी माइनस से आयोटा आयोटा की फोर पावर है फोर पावर को हमने क्या लिख दिया आयटा स्केयर इनटू आयटा स्केयर आयोटा स्केर क्या है माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन क्या आ जाएगी आपके पास प्लस है वन और वन बाई आयोटा क्या होता है माइनस से आयोटा कैसे होते हैं वन बाई आयोटा आ गया हमारे पास से सिंपली यहाँ बताती हूँ मैं आपको वन बाई आयोटा आया आपके पास तो हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे हम कभी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखते तो ऊपर क्या आएगा आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्केयर आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन तो पूरे के आगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा क्या आ जाएगा माइनस आयोटा आगे है टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड वन एंड जेड टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है ए प्लस आयोटा अभी दूसरा नंबर क्या दे रखा है सी प्लस आयोटा डी आर इक्वल कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको हम इक्वल कब बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ उनको हम एक ही कंडीशन में इक्वल बोल सकते हैं कब जब फर्स्ट का रियल पार्ट सेकंड के रियल पार्ट के इक्वल होगा और फर्स्ट का इमेजनरी पार्ट सेकंड के इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा इट मीन्स ए इज इक्वल टू सी होगा और बी इज इक्वल टू डी होगा तभी हम क्या बोल सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो क्या है इक्वल नेक्स्ट है फिर द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फिर हमारे पास क्या आता है कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट कैसे करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज डिनोटेड बाई और जो कॉन्जुगेट है उसको डिनोट करते हैं हम इससे जेड का कॉन्जुगेट जेड और ऊपर हमारे पास जो लाइन ड्रॉ कर रखी है इसी को हम क्या बोलते हैं जेड का कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं जो भी हमारे पास आयोटा की टर्म है उसका साइन है उसको अपोजिट कर देंगे अगर यहां प्लस है तो माइनस कर देंगे अगर यहां माइनस होगा तो इसको क्या कर देंगे हमें प्लस उसके साइन का तो Z का अपोजिट तो क्या आ जाएगा द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे मॉडुलस हम फाइंड करते हैं रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्केयर और पूरे का क्या कर देंगे स्केयर रूट द मोडलेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आज डिनोटेड बाई z का मोडलेस एंड z का मॉडलेस से नोट करेंगे इसको z का मॉडलेस किसके इक्वल होगा इसका रियल पार्ट क्या है ए स्केर ए का स्केयर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्केयर प्लस बी का स्केयर और पूरे का क्या कर दिया रूट ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका मॉडलेस आगे है इफ जेड जेड वन एंड जेड टू आर कॉम्प्लेक्स नंबर तीन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे एक जेड दे रखा है एक जेड वन दे रखा है एक जेड टू सभी क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर देखो फर्स्ट तो हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी कि जेड का कॉन्जुगेट और फिर उसका एक बार फिर से कॉन्जुगेट कर देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा जेड के इक्वल कैसे आएगा हमारे पास कॉन्जुगेट है कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या था अभी हमने किया था कि कॉन्जुगेट है अगर यहाँ प्लस होता है तो माइनस आ गया और एक बार फिर से जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो माइनस की

जेड वन बाई जेड टू पूरे का कॉन्जुगेट किसका इक्वल आ जाएगा जेड वन कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई जेड टू कॉन्जुगेट एंड जेड टू है वो क्या होगा नोट इक्वल टू जीरो जेड टू है हमारा जो वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा उसके बाद हमारे पास सिक्स है मोडलस अब हमारे पास जेड का मोडलस जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू जीरो अगर हमारे पास जेड का ज़ीरो होगा तभी हमारे पास सिर्फ यही कंडीशन है कि z ज़ीरो होगा तभी हमारे पास z का मॉडुलस ज़ीरो आ सकता है अदरवाइज हमारे पास कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि z का मॉडुलस है वो ज़ीरो आ जाए क्यों क्योंकि देखो z का जो मॉडुलस है वो हम कैसे फाइंड करते हैं कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर फिर अगर हमारे पास कोई भी ए और बी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी स्केयर होके। इसीलिए अगर पॉजिटिव होगी तो दोनों को ऐड ही करना है ऐड करेंगे तो वो जीरो कभी हो ही नहीं सकते तो हम क्या बोल देंगे कि अगर जेड हमारे पास ज़ीरो होगा तभी ये ज़ीरो हो सकते अदरवाइज ये जीरो नहीं होगी नेक्स्ट है जेड का मॉडुलस इक्वल होगा जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस और वो इक्वल होगा माइनस जेड के इक्वल कैसे जेड हमारे पास है टू प्लस टू माइनस थ्री आइटा जेड का कॉन्जुगेट देखो यहाँ से इसका जेड का मोड निकालना हमने तो क्या आएगा टू का स्केयर फोर माइनस थ्री का स्केयर नाइन क्या आ जाएगा रूट थर्टीन फिर हमने इसका निकाल दिया क्या मोड तो क्या आ जाएगा टू प्लस थ्री आयोटा अब जेड के मोड का कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट का मोड निकालेंगे तो क्या आएगा टू का स्केयर फोर प्लस थ्री का स्केयर नाइन ये क्या आ जाएगा रूट है थर्टीन आ जाएगा थर्ड हमारे पास क्या है माइनस जेड तो माइनस बाहर लगा देंगे और अंदर क्या आ जाएगा टू माइनस थ्री आयोटा अंदर लेके गए माइनस टू प्लस थ्री आइट आ जाएगा माइनस जेड का मोड निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस टू का स्केयर प्लस, प्लस थ्री का स्केयर माइनस टू का स्केयर क्या हो जाएगा फोर प्लस थ्री का स्केयर नाइन और फोर प्लस नाइन आएगा थर्टीन तो तीनों क्या आएंगे हमारे पास इक्वल तो ये तीनों कंडीशंस क्या होती हैं इक्वल जेड इन टू जेड का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है जेड के मोड का स्केयर क्योंकि जेड और जेड का कॉन्जुगेट उन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल आएगी जेड के मोड का स्केयर के इक्वल फिर दूसरा नेक्स्ट हमारे पास क्या है जेड स्केयर का मोड निकालो या फिर जेड के मोड का स्केयर करो दोनों के आएंगे इक्वल आएंगे आप कोई भी एग्जाम्पल लेके इसको प्रूव करके देख सकते हो इक्वल प्रूव होगा नेक्स्ट है जेड वन प्लस जेड टू का कॉन्जुगेट मोड जेड वन प्लस जेड टू का मॉडुलस क्या इक्वलिटी होती है इसके अंदर ये हमारे पास डिपेंड करता है कि इक्वल भी हो सकता है और ये ग्रेटर देन भी हो सकता है जेड वन का मॉडल प्लस जेड टू के मॉडल्स के इक्वल भी हो सकता है और इससे ग्रेटर भी हो सकता है नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है कि z इनवर्स इसको हम कैसे डिनोट करते हैं z इनवर्स इसको अगर माइनस वन पावर मान के चलो माइनस वन है तो नीचे लेके आएंगे क्या आ जाएगा वन बाई जेड ये किसके इक्वल होगा z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जेड के मोड का होल स्केयर ये हमारे पास जो जेड है इसका इनवर्स इक्वल होता है जेड का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जेड के मोड का स्केयर नेक्स्ट है एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन बी रिटर्न एज कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है हमारे पास वो नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है इट मीन्स वो जीरो नहीं है z क्या है x प्लस आयोटा वाई इसको हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ जेड ये जो हमारे पास होती है जेड को ऐसे लिखते हैं लेकिन जब हम इसको एंगल और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगी आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थिएटा और ये हमारे पास क्या होती है इसकी पोलर फॉर्म ऑफ ए जेड आपकी एक्सरसाइज में आएगी मेरे ख्याल से 5.2 एक्सरसाइज में आएगी पोलर फॉर्म अब नेक्स्ट है ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म जेड इज इक्वल टू आयोटा वाई आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जेड और किसके इक्वल दे रखा है आयोटा वाई के इक्वल बट जो वाई है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है इज कॉल्ड ए प्योरली इमेजनरी नंबर इसको हम क्या बोल देंगे प्योरली इमेजनरी नंबर कैसे बोल देंगे क्योंकि इसके अंदर रियल पार्ट नहीं है इसके अंदर सिर्फ इमेजनरी पार्ट गिवन है, है. इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे ये प्योरली इमेजनरी ये थी हमारा चैप्टर okay. फाइव का इंट्रोडक्शन ओके थैंक यू